आप देख रहे हैं 93.5 थ्री पॉइंट फाइव डेड एफ एम और आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी आए हुए हैं और कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जो है आज हमारे साथ है नीलोफर जी सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्हें हमें अपना कीमती टाइम दिया मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 11 मेडल्स जीते हुए ऑल इंडिया लेवल पे क्योंकि दो मार्शल आर्ट्स की एक किस्म है इस चैंपियनशिप में 11 कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने कंपटीशन में कम्पीट किया था उन्होंने 11 मेडल्स जीते हैं सबसे पहले तो मैम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है देखिए जी मेडल्स उनने जीते हैं ग्यारह मेडल्स जीते हैं मुझे ज़्यादा खुशी है इसमें तीन लड़कियां हैं ये प्रूफ करता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं हमने स्पेशली एक लेडी कोच को उनके साथ आ, रखा हुआ था जो जिसने ट्रैवल किया इनके साथ क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा अप्रिहेंशन रहता है कि बच्चियाँ जब घर से बाहर जाती हैं वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट हमारे भी अपने बच्चे हैं सो स्पेशली सो दैट बच्चों का केयर हो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है कि उनने 11 मेडल्स लाएँ इन इनको इस मार्शल आर्ट्स में और भी ट्रेनिंग देंगे और भी कोचिंग देंगे जो भी यूनिवर्सिटी को करना है हम ज़रूर करेंगे और सिर्फ यही मार्शल आर्ट्स में नहीं इन अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑल्सो हमारी कोशिश रहती है यू नो एवरी वेदर बॉयज और गर्ल्स नॉट ओनली ऑफ आर ओन यूनिवर्सिटी आर ओन डिपार्टमेंट्स, बट ऑफ द दफिलेटेड कॉलेज ऑल्सो जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं वो बच्चे भी पार्टिसपेट करें आपने देखा होगा वी हैव इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स वी हैव यू नो आर स्टूडेंट्स गो आउटसाइड एट नैशनल लेवल उसमें कॉलेज के बच्चे भी होते हैं अभी जो यू नो मेडल सरमनी हुई उसमें आपने देखा होगा डिफरेंट कॉलेज के बच्चे भी थे तो जहाँ भी कोई टैलेंट हो पटेनिंग टू स्पोर्ट्स हम उसको जरूर यू नो एनकैश करते हैं उस टैलेंट को इन अ वे वी गिव देम ट्रेनिंग और उन बच्चों को बाहर भेजते हैं यू right. नो uh, you know, खेलने के लिए अभी हमने एक लड़की को कजाकिस्तान भेजा शी वॉज ब्रिलियंट इन स्कीइंग शी वॉज चोजन एट द नेशनल लेवल टू पार्टिसिपेट इन कजाकिस्तान हमने उसको पूरी फंडिंग की एंड शी वेंट एंड शी डिड वेरी वेल तो आप ये देखें कि uh, लड़के नहीं लड़कियां भी कैसे आगे बढ़ रही हैं एंड यू हैव सीन वी हैव वेरी गुड स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर यूनिवर्सिटी हम इसको और भी एड uh, ऑन कर रहे हैं हमारा एक इंडोर स्टेडियम इस वक्त बन रहा है इन नसीम बाग कैंपस मे बी यू सीन इट इट विल टेक सम मंथ्स मोर टू कम्प्लीट इट सो देर बी दिस फैसिलिटी ऑल्सो बच्चे विंटर में बेकार नहीं बैठेंगे यू नो लेथार्जिक नहीं होंगे दिस इज द मेन मोटिव बिहाइड इन ताकि बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहे चाहे वो हॉस्टल्स में यहाँ पर रह रहे हैं ट्वेंटी फोर सेवन हमारी लाइब्रेरी है बच्चे वहाँ पढ़ते हैं लेकिन स्पोर्ट्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सो इट्स प्लान इन सच ए वे वहाँ गर्मी भी रहेगी सर्दी भी रहेगी और बच्चे खेलेंगे बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑलरेडी हम देख रहे हैं बास्केटबॉल फुटबॉल क्रिकेट बाकी क्रॉस कंट्री रन भी हुई आज बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है और जब से नए डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन किया तब से अगर हम टैली की बात करें मेडल टैली की तो उसमें भी आप नंबर वन आए हुए हैं अभी हमें पता चला सबसे ज्यादा मेडल जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने लिए है तो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम सोसाइटी व्यू से देखते हैं कि बहुत ज्यादा ड्रग ड्रग्स जो है फैल रहा है कश्मीर में और इसमें एक स्पोर्ट्स बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्या कहना sports है स्पोर्ट्स का वाकई ही इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि स्पोर्ट्स uh, जो है वैन ए चाइल्ड पार्टिसिपेट्स इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उसका जो माइंड है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है यू you नो know, अगर किसी कोई गलत सोच हो और इट्स इट्स सच एन एक्टिविटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक बच्चे की होती है और इंटरेस्ट उसको किसी बुरी थॉट का अगर कोई दिमाग में कोई थॉट होता ही डिवेट्स फ्रॉम दैट उसका जो वो चैनलाइज हो जाता उसकी एनर्जी उसके थॉट उसकी एक्टिविटी उसका यू नो विगर चैनलाइज हो जाता है टूवर्ड्स एक्टिविटी स्पोर्ट्स इन विच इज इंटरेस्टेड सो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपने देखा होगा आजकल प्राइवेट क्रिकेट क्लब्स हैं हम उनको यू नो वी इंकरेज देम

जो बच्चे हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए स्पोर्ट्स टूवर्सोर्स कल्चरल एक्टिविटीज टूवर्स लिटरेरी एक्टिविटीज यू नो सो दैट एक तो उनका टैलेंट पता लगता है एंड दे गेट इंटरेस्टेड टू शो देयर इनोवेशन एंड देयर देयरने आज के इवेंट में देखा कि स्पोर्ट्स कैलेंडर भी रिलीज हुआ मुझे जी, लगता जी, है कि बहुत अच्छी इनोवेशन जी जी दिस इज द फर्स्ट टाइम i am so happy the directorate of sports of our university they have issued a sports calendar mm -hmm. and uh, inshallah jo usme activities we will try to end i hope to uh, red fm collaborate with sath collab activities society definitely like uh, open you can come uh, you can come up with the proposal anything for a youth which is good right. and which is for their development thank you so much for giving thanks a question. lot बजाते रहो